चलो अपने टिंकरिंग को खोलूं मैं। ये देखें, इसके अंदर मैंने कल इनको बंद किया था, तंग बहुत करता था, तो फिर कल मैंने इसको बंद कर दिया था। चलो आओ भाई, आज इन्होंने तो शॉपर खराब कर देना है। पहले मुझे मैच है को डालने के लिए था। चलो आओ, उनकी खुरली थोड़ी सी मैं आगे कर दूं ताकि छाया की पहुंच में आ सके पट्टे। चलो अब खा लो आराम से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सब लोग, मैं सकता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी इनको मैंने पट्टे डाल दिए और उसके बाद अब बारी आती है मेरी मिनी फोज की। मिनी फोज में बात कर लूँ क्योंकि ये बहुत तंग कर रहे हैं। फिर इनको मैंने पहले नाना खोला तो इन्होंने किसी और को भी मुझे दाना शाना नहीं डालने देना। अभी इनको मैं पहले खोल दूँ, आज इनको मैं इधर ही केज रख के ना खोल देता हूँ। क्या हुआ तो मैंने खोलना यार। चलो जाओ खाओ, जाके खा लो यार। अभी इनको मैं दाना भी डालता हूँ अपनी मिनी फौज को, क्योंकि पट्टे मैंने डाले थे थोड़े से। ये मिनी फौज ना टिंकू मिंकू बाज आ जाओ। हाँ जी आ गए मेरे पास, रुको ये लो खा लो, ये लो। खाओ अब, खा नहीं रहे। चलो अब अपने पहले लाल बादशाह को भी दाना शाना डाल दें, क्योंकि ये भी बड़ा तंग आया हुआ है कि मुझे बाहर निकालो, तो मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता। अभी इसको मैं इधर ही अंदर ही दाना शाना डाल देता हूँ और पानी भी डाल देता हूँ। तो यार मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज हमारा लाल बादशाह जो है ना वो आज हमसे भी छट जाएगा, चला जाएगा लाल बादशाह इस महीने जू से। लाल बादशाह मिस करूंगा मैं तुम्हें बहुत। आज तुम अपने नए घर में जा रहे हो तो तुम्हें नया घर मुबारक को। इन्होंने तो सेब खा लिया है और बेबो राजू ने नहीं, बेबो राजू ने तो सेब खाया नहीं यार। कल मैं दो सेब डाल दिया था, एक हीर रंजा को एक बेबो और राजू को, जबकि हीर और रंजा ने सेब खा लिया, बेबो और राजू ने सेब नहीं खाया, क्योंकि इन लोगों को शायद सेब पसंद नहीं है। और ये देखें दाना के बॉल भी इन लोगों ने उठाया हुआ है और पानी भी खत्म किया हुआ है इन लोगों ने। तो अभी ये सेब निकाल के मैं अपने हीर और रंजे को डालता हूँ, क्योंकि वो तो शौक से खाते हैं। तो सेब इनको निकाल के डालता हूँ और दाना फिर इनको डालता हूँ और पानी भी इनको डालता हूँ, क्योंकि इनको भूख प्यास लगी होगी काफी। तो अभी जल्दी से पहले बेबो और राजू को डाल देते हैं दाना शाना, उसके बाद फिर ये सोना चांदी। सोना चांदी का दाना शाना तो पड़ा हुआ है, पानी भी पड़ा हुआ है, तो ये आराम से अब इधर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आजकल मैं इनका इधर मैं बॉक्स भी लगा दूंगा। उसके बाद फिर ये देखें, ये सोनू मोनू और हम्पी डम्पी ये देखें बाहर बैठे हुए हैं। मौसम भी आज अच्छा है, कल रात से बारिश हुई थी तो बड़ा अच्छा मौसम हुआ, जिसकी वजह से गर्मी नहीं है, पसीना भी नहीं है। तो ये देखें मोनू तो उस मटकी के अंदर चली गई है, जबकि डम्पटी इधर बाहर बैठी हुई है। डम्पटी तो किसी मटकी के अंदर जा नहीं रही, मोनू उसके अंदर चली गई थी फिर वापस आ गई है। अब देखो ये क्या करना चाह रही है डम्पटी, और डम्पटी भी इस मटकी के अंदर चली गई। ये जो छोटी वाली मटकी है ना इसके अंदर डम्पटी भी चली गई है। वो देखें सर उसने बाहर निकाला हुआ है, शायद नजर आ रहा हो आप लोगों को। ये देखें मोनू भी वापस आ गई है बाहर। चलो पता नहीं लोगों ने क्या करना, अंडे देने के नहीं देने मुझे समझ नहीं आ रही इन लोगों की। ये देखें ये जो इधर सेब पड़ा था ना बेबो और राजू का, तो वो सेब मैंने निकाल के हीरो रंजे को डाल दिया। उसके बाद ये सिट्टे मैंने डाल दिए, सिट्टे में इतना खाया क्योंकि आज जो सिट्टे हैं ना वो इस इनके माया छाए के खाने के अंदर ही काफी बड़े बड़े आ गए थे। तो वही सिट्टा मैंने निकाल के एक पीस इधर रख दिया और दो पीस मैंने बेबो और राजू के लिए रख दिया। तो अभी ये सेब भी खा लेंगे, सिट्टे भी खा लेंगे, इनके लिए हेल्दी हेल्दी फूड में ला के रख लूँ और ला के इनको डाल लूँ ताकि इनकी ब्रीड अच्छी हो और हमें अच्छे अच्छे बच्चे इनके देखने को मिल सके। तो अभी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, इनको भी अच्छी फूड दे रहा हूँ, इनको भी अच्छी फूड दे रहा हूँ और इनको भी अच्छी फूड दे रहा हूँ। और इनको मैंने बाजरे ये भी डाला, बाजरे पर रखा हुआ, क्योंकि अभी दो चार दिन तक इनका बॉक्स लगाऊंगा ना, ये जो नीचे पड़ा हुआ टाट ये काफी गंदा हुआ है, तो इसकी भी सफाई करेंगे हम। और उसके बाद फिर इनको अच्छा सा कोई बॉक्स लगा देंगे और फिर इनकी भी अच्छी सी डाइट कर देंगे।
डाइट तो इनकी अच्छी अभी भी है, लेकिन ये कि ये बाजरा ना इतना शौक से नहीं खाते, इनके लिए दाना होता है कबूतर दाना होता है, तो वो ही ला के इनको मैं डालूंगा कलियों परसों। अभी तो ये फिलहाल जो खा रहे हैं यार, एक तो टिंकू और रानी बहुत लड़ते हैं, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही, वो देखें झगड़ा कर रहे हैं दोनों। रानी के तरफ देखें कैसे अपने परों को खोल रही है, बाज आ जाओ नहीं करो। हाँ जी आ गए खा खू के, हैं हो गया सुकून तुम्हें। तो यार आज हमारा ना ये लाल बादशाह इधर से मिनी जू से जा रहा है, तो मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि यार ये इसको मैं भेज रहा हूँ, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। और एक तरफ मेरी मजबूरी भी इसको भेज रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा केज नहीं है जिसके अंदर मैं इन सबको बंद कर सकूँ। आज शाम को लाल बादशाह चला जाएगा, उसके बाद ये जो है बादशाह और मलका इनको फिर मैं इसी पिंजरे के अंदर बंद कर दूंगा, उसके बाद ये जो है ना इनको मैं इधर ही बंद रखूंगा, तो इनको दाना शाना डालने के लिए फिर खोला करूंगा बस, उसके अलावा ये बंद रहा करेंगे और टिंकू इस पिंजरे के अंदर बंद रहा करेंगे। तो बाकी रहेगी रानी की बात, रानी को फिर हम देखेंगे कि क्या करना है, रानी को किधर भेजना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि रानी और टिंकू का पेड़ लग जाए, तो जबकि रानी और बादशाह का पेड़ बन गया हुआ है, तो ये बड़ी गलत बात है। हाँ, पहले भी हमने चूजे जो मिले हैं ना रानी के, वो आती हैं वो है, तो हम चाह रहे थे कि ये इसी तरह के सील हों, एक ये है ये देखें ये, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि असील नहीं है, जबकि हमें असील बच्चे चाहिए थे रानी की तरह। तो रानी का बादशाह के साथ पेड़ लगा हुआ है जिसको हमने आज खत्म करवा के, तो उसके साथ टिंकू मिंकू के साथ ही लगाना चाह रहे हैं, तो हम रानी या टिंकू मिंकू में से किसी एक भाई के साथ इसका पेड़ लगाना चाह रहे हैं रानी का। तो अभी सब दाना शाना खा रहे हैं, खा लो तुम लोग भी दाना, क्या हुआ खा नहीं रहे, वो पड़ा तो हुआ दाना शाना, यार ये दाना शाना तो इनका पड़ा हुआ लेकिन ये खा नहीं रहे, ये कह रहे कि हमें भी थोड़ा सा नया दाना और पानी डालो। तो अभी इनको मैं थोड़ा सा दाना और पानी डाल देता हूँ जबकि सब कुछ पड़ा हुआ मौजूद है। चलो कोई बात नहीं, अभी इनको थोड़ा सा दाना शाना और पानी डाल के देखते हैं कि ये खाते हैं कि नहीं खाते, उसके बाद मेरी मिनी फौज सारी इधर ही इकट्ठी हुई है, मौका अच्छा इनको पकड़ने का, क्योंकि वो बाद में रानी के बच्चे जो है वो पकड़े नहीं जाते, तीन वो हैं और एक ये ब्राउन कलर का है, ये ना पकड़े नहीं जाते हैं, तो अभी मौका अच्छा इनको पकड़ते हैं, पहले बंद कर लूँ उसके बाद फिर जो है ना वो इनको मैं ऊपर ही रख दूँ उसी जगह पे। यार वो प्लेट पड़ी हुई है, उस प्लेट के अंदर ना मैंने चूहे मार दवाई रखी हुई है, क्योंकि दो से तीन चूहे हैं जो इधर आके तंग करते हैं, ऊपर से ये जो है हीरो रांझा इनका भी खाना खा जाते हैं, और उसके नीचे जो है ना हम सोनू मोनू उनके नीचे जो चीजें बिखरी होती हैं उनका दाना शाना वो भी खा लेते हैं, तो इधर से वो खाना शाना खा रहे हैं पल रहे हैं, लेकिन ये कि मुझे वो मंजूर नहीं है, मुझे उनको निकालना है जैसे कैसे। उसके अंदर मैंने उनकी फीड कोई अच्छी सी डाली है, कल मैं लेके आया था वो प्लेट में रखी, पता कोई नहीं है प्लेट में से किसी एक चूहे ने खाया हो भी सकता है, चलो कोई बात नहीं खैर है, खा के तो जहाँ मर्जी मरे मरे सही मेरी तरफ से बस। हाँ जी चलो अब अपनी मिनी फौज में बुलाता हूँ, वो देखे सारे बाहर चले गए, इधर मौका अच्छा था इनको पकड़ने का, अब इनको मैं बुलाता हूँ इधर दाना छाना बाजरा डाल के ना, तो देखते हैं ये आते हैं कि नहीं आते। तो फाइनली मैंने फौज को हमें अरेस्ट कर लिया बड़ी मुश्किल से, तो कहीं नहीं थे जा रहे, उधर से उधर से उधर से दूसरी तरफ से आओ दूसरी तरफ से आओ। तो गाइस ये थी मेरी आज की इन प्रेस के हवाले से एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, तो कल एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय लाल बादशाह, आज तुम इधर से आज़ाद हो रहे हो, नए घर में जा रहे हो। हाँ जी क्या है हुँ? क्या लेने आई हो हैं, इधर क्या लेने आई हो मुझे बताओ ना जरा, चलो चलो उधर जाकर खाना खाओ।